अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऑनलाइन मॉल लेकर आया है बिल्कुल न्यू वॉच की। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मॉडल नंबर है HW8 अल्ट्रा मैक्स। तो गाइस, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लो ताकि न्यू मॉडल की अनबॉक्सिंग टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। वॉच बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको देखने को मिले कि क्या फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। अब बात करी जाए इसके हवाले से, तो ये आपको बारकोड देखने को मिलेगा, मेड इन चाइना, HW8 अल्ट्रा मैक्स पढ़ने को मिलेगा। चलो यार, ये तो खैर बात की बातें हैं, पहले मैं इसकी करता हूँ रैपिंग को रिमूव। तो गाइज, आप सबसे पहले क्या करना है, आपने हमारे जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये रही भाई इसकी पैकेजिंग। तो गाइज ये देखो, ये मैंने इसकी रैपिंग रिमूव कर ली है। तो आपको यहाँ पर वाजे तौर पर पढ़ने को मिलेगा HW8 अल्ट्रा मैक्स क्लियरली तौर पर। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी। अब आते हैं बैक साइड पे, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था। देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा HW8 अल्ट्रा मैक्स एलुमिनियम केस, ऑरेंज ओशियन बैंड, 49mm एग्जैक्टली साइज पे आती है। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने वाली है वो सरप्राइज कंपनी नहीं है, कोई वेयर फिट प्रो कंपनी है। और X8 अल्ट्रा के बाद जो बेहतरीन मॉडल चल रहा है इसका इस टाइम पे, वो ये चल रहा है। X8 अल्ट्रा इसका बहुत कामयाब मॉडल रहा है क्योंकि एग्जैक्ट 49mm में आया था। अब इसकी पैकेजिंग आप चेक करें गाइस, सेम लाइक ओरिजिनल जैसी पैकेजिंग इन्होंने करी हुई है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और करीब से ऊपर करके दिखाता चलूँ, कुछ इस तरीके से आपको इसका लुक चेक करने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसमें मिलेगी मैनुअल देखने को, मैनुअल वेयर फिट, मैंने जैसे कि बताया था वेयर फिट प्रो कंपनी की है। ये देखें मैनुअल, देखें काफ़ी कड़क है, धमाकेदार है। और ये इसका QR कोड है, देख रहे हैं आप क्या कलर्स दिए इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो गाइज, अब वेयर फिट प्रो कंपनी भी पीछे नहीं है। तो अब मैं इसकी पैकेजिंग साइड में रखता हूँ। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें इसका देखने को मिल रहा है बॉक्स। बॉक्स पे आप देखो, खूबसूरत सा एक डायल बना हुआ देखने को मिलेगा यहाँ और यहाँ और यहाँ, कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो गाइज चलो इसका बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले। तो जैसे मैं इसका बॉक्स ओपन करूँगा, वाओ यार, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा अल्ट्रा 49mm और यहाँ पर कुछ एसेसरीज रखी हुई देखने को मिलेंगी। तो चलो सबसे पहले हम एसेसरीज चेक करते हैं कि एसेसरीज क्या क्या आती हैं इस वॉच के साथ। तो ये बॉक्स पूरा भारी आ गया है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो जनाब, अब ये हो गया अंदर से खाली। इसके अंदर था एक ओशियन बैंड भी जो आ रहा है इसके साथ, वो लॉक वाला आ रहा है। क्वालिटी की बात की जाए तो ज़बरदस्त क्वालिटी में। चार्जर इसकी अच्छी क्वालिटी का होता है, लॉन्ग चार्जिंग केबल है। बैटरी के हवाले से बात करते चलूँ कि आप कोई भी मतलब वॉच को चार्ज करें इस वॉच को, तो 2 एम्पेयर या 2 एम्पेयर के कम के एडाप्टर से चार्ज करना है। हैवी 60 वॉट, 65 वॉट, यहाँ तक कि 15 वॉट, 10 वॉट के चार्जर से भी नहीं, नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना है जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करता हो उससे, नहीं तो हैवी चार्जर से वॉच उड़ने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं डिवाइस। आपको डिवाइस के यहाँ पर कुछ इस तरीके से रैप हुई भी रखी हुई देखने को मिलेगी। तो चलो गाइस, इसको मैं रैपिंग रिमूव करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर अल्ट्रा 49mm पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम रैपिंग रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं भाई क्या इसमें चेंजेस हैं। तो गाइज, सबसे पहली बात मैं करता चलूँ तो ये एग्जैक्ट 49mm के साइज़ पे डिज़ाइन हुई हुई वॉच है और स्क्रीन साइज़ इसका फुल है। और आप देखें अंदर की कोई स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइड की बात करी जाए तो यहाँ आपको क्राउन, नीचे सेकेंडरी बटन या माउथ पीस, इस साइड में आपको ऑरेंज बटन और ये स्पीकर। और बैक साइड की बात करी जाए तो गाइज ये पढ़ने को मिलेगा, ये प्रिंट हुआ हुआ है लेकिन ये प्रिंट नहीं है। इसके अंदर जो स्ट्रैप लॉक है वो वर्किंग में, ये जो स्ट्रैप है लॉक है, ये देखें आप अंदर तक आपको वीडियो में दिखाते चलूँ, क्लियरली तौर पे दिख रहा होगा वर्किंग में। वॉच की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलो गाइज, मैं स्ट्रैप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये देखो, मैंने स्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया है। स्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद ये वॉच की बिल्ड क्वालिटी चेक करो, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलो ये देखो, ये बैक पे जाके स्ट्रैप कोई भी लगाओगे लॉक हो जाएंगे। बैक पे आपको यहाँ पर सिर्फ 49 लिखा हुआ देखने को मिलेगा, mm खा गए लिखना, और बाकी ये कुछ वर्डिंग पढ़ने को मिलेगी। बैक पे सेंसर देखने को मिलेंगे। तो चलो गाइज़, बिना टाइम ज़ाया करें अब इस वॉच को ऑन करते हैं। नीचे वाले बटन से वॉच ऑन होगी, जैसे ही वॉच ऑन होगी आपको सबसे पहले हेलो वेयर फिट पढ़ने को मिलेगा। और ये वॉच ऑन हो गई है। अब इसमें आप लैंग्वेज की मैं जो भी ये सेटिंग्स कर लूँ आगे, ये QR कोड से कनेक्ट करने को बोल रही है, अभी हमने कनेक्ट नहीं करना। तो जनाब, ये वॉच ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद आप इसका लुक, फर्स्ट लुक चेक करें, जब तक मैं इसकी टाइमिंग वगैरह चेक सेट कर लेता हूँ। तो गाइज़, ये वॉच मैंने ऑन कर ली है। सबसे पहले हम इसके वॉच फेसेस काउंट करते हैं। ये पहला है 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3, इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहे। ये चौथा है 4 और ये 5, ये पांचवा वॉच फेस है और ये 6। टोटल आपको इस वॉच में 6, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स, टोटल आपको इस वॉच में सिक्स वॉच फेसेस देखने को मिलने वाले हैं। साइड पर स्लाइड करने से आपको इसका देखें कंट्रोल, जो दूसरा साइड जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करने से आपको मैसेज के नोटिफिकेशंस के हवाले से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको चेक करने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर स्लाइड करने पर इसका एक ऑप्शन है जो कि इसके एप्लीकेशन से कनेक्ट होने के बाद वर्क करेगा, ये देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन भी वर्किंग में आ जाएगा। बाकी आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड कितने स्टेप आप चले पूरे वीक में, यहाँ पर अपना पूरा रिकॉर्ड चेक करने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऐड कंपोनेंट्स में आप वेदर चाहो, यहाँ पर कोई भी चीज़ चाहो तो वो पर्सनली तौर पर ऐड करके चेक कर सकते हो। बाकी भाई हार्ट बीट ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए वॉच बिल्कुल भी नहीं लेना। इस वॉच में एक और कलर आता है, वो भी देखते हैं। तो गाइज इसी तरीके से इसका ये दूसरा कलर है ब्लैक। बॉडी का कलर सेम है, सिर्फ स्ट्रैप का कलर चेंज है। आप ये देखो दोनों की बॉडी का कलर सेम है, बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है। आप देखो साइड की बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है बॉडी के हवाले से, बॉडी का कलर दोनों का सेम है और सिर्फ स्ट्रैप का फ़र्क है। दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, 10 मिनट्स तक इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की टाइमिंग है, जो कंटिन्यू आप ऑन रखकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इसके अलग अलग फंक्शंस के हवाले से कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से स्लाइड करता हूँ तो मेन्यू के हवाले से बताया चलूँ इसके कंट्रोल पैनल के। यहाँ पर आपको ये प्लेयर मिलेगा, इसको आप कनेक्ट करोगे तो ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। ये एक नया फीचर है जो कि चाइना की ही मेनलैंड एरिया में वर्क करता है और अदर कंट्रीज़ में नहीं करेगा, न्यू फीचर है। यहाँ पर आपको अपना नो कलेक्शन कोड इज आप इधर अपना कोई भी कोड पेमेंट पे करने के हवाले से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना बिजनेस कार्ड ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अली पे वगैरह चेक करने को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो रिमोट कंट्रोलर मिलेगा जो कि आपके मोबाइल में जो यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए टिकटॉक के देखने में काम आने वाला है। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको इसका मिल रहा है वैकअप जेस्चर, नाइट मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ये आपको मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर लॉक है, ये आपको एक और ऑप्शन है जो कि ऐप से कनेक्ट होने के बाद वर्किंग में आएगा। इसी तरीके से ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो कलर्स है ना वॉच की, जो ब्राइटनेस है, कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं और मैं इसके अंदर भी 30 सेकंड्स टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। तो गाइज अब बात करते हैं इसके मेन्यू के हवाले से, तो आपको इसका ये वाला मेन्यू चेक करने को मिलेगा जो हमेशा से आपको इसका एक ही मेन्यू स्टाइल देखने को मिलता है, वही है, कोई चेंजेस नहीं करी गई हैं। बाकी ये बिल्कुल लैग फ्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये देखें जूम इन जूम आउट पर बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, ये देखें कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको क्लियरली दिखाता चलूँ। और अगर इसके अंदर मज़ीद बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कितने मेन मेन्यू स्टाइल देखने को मिलेंगे ये वाले, तो डबल क्लिक मेन्यू स्टाइल चेंज, आपको एक ये वाला देखने को मिलेगा, अगेन डबल क्लिक, तीसरा आपको ये वाला देखने को मिलेगा, अगेन डबल क्लिक, और चौथा आपको ये वाला चेक करने को मिलेगा। टोटल आपको इसके अंदर 4 मेन्यू स्टाइल देखने को मिलेंगे इस वॉच में। अब बात करते हैं कि और मज़ीद इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैं आपको इसका डेमो देता हुआ चलूँ। तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट चेक करने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर जो कि होता है वो हार्ट रेट होता है बीट पर मिनट्स। तो ये देखें लाइट्स प्रॉपर चल रही होंगी, लेकिन भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से ठोक देता है अपनी तरफ से, इसके ऊपर बिलीव नहीं करना आपने। ऐसी ऑक्सीजन लेवल भी अपनी तरफ से बताएगा, ब्लड प्रेशर भी। ये वॉच जो होती है ना बेसिकली फैशन वॉचेस होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए नहीं बाय करी जाती कि हार्ट रेट और बीपी मॉनिटर चेक करें, क्योंकि इनमें ऐसी किसी भी चीज़ की कोई एक्यूरेसी नहीं होती। वाटरप्रूफ के हवाले से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि सर ये वॉचेस वाटरप्रूफ हैं, तो जनाब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ। देखें भाई बोलने को सब वॉचेस वाटरप्रूफ होती हैं, लेकिन जब ख़राब हो जाती है तो कोई वाटरप्रूफ नहीं होती है, क्योंकि कंपनी कोई वारंटी ऑफिशियल देती नहीं है, अंदर ना कोई वारंटी कार्ड देती है। बाकी इधर उधर के जो सेलर होंगे वो आपको चिपका देंगे वाटरप्रूफ बोल के, आपने जहाँ पानी में इस्तेमाल करी वॉच ख़राब हुई, ना आगे सेलर ने रिप्लाई करना है, आप हो जाएंगे परेशान। तो इसको पानी की पहुँच से दूर ही रखें। बाकी आउटडोर स्पोर्ट्स के आपको कुछ ये फंक्शंस इसके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडोर की एक्टिविटीज़ की ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैं आपको पुशअप का दिखा देता हूँ, जिसमें ये बताएगा कितनी कैलोरीज और हार्ट बीट पर मिनट्स आपके लूज़ हो रहे हैं। इसी तरीके से कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पर आपको कॉल डायलर भी देखने को मिलेगा, रिसेंट कॉल, कॉन्टैक्ट, डायल पैड, ये सारी चीज़ें। ये बोल रहा है पहले एप्लीकेशन से कनेक्ट करो भैया, फिर यूज़ करना। बाकी आपको ऐप स्टोर यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, एप्लीकेशन जो हैं, ये तीन ये एप्लीकेशन इसके ऐप जो इसका वेयर फिट प्रो ऐप है उससे अपडेट होंगी। बाकी ये तीन चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं कि भाई स्लीप मॉनिटर, भाई रात भर नींद कैसी रही, ये वॉच आपको ये भी बताने वाली है, तो आप ये भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखने को मिलेगा,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। और बैक पर आते हैं, सिरी आपको मिलेगा, एंड्रॉयड होगा तो गूगल वॉइस कमांड वर्क आएगा, और क्या कहते हैं आईफोन होगा तो सिरी ऑपरेट होगा यहाँ पर। और बात करें यहाँ पर आपको पूरे रिकॉर्ड मिलेगा कि पूरी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी रही वो कितनी रही यहाँ पर पूरे वीक का। स्टॉप वॉच आपको चेक करने की मिलेगी कुछ इस तरीके से, और अलार्म आप इसमें लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मैसेज के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, फिटनेस के कुछ हैं, वेदर चेक कर सकते हैं, और भी म्यूज़िक कंट्रोलर मिलेगा आपको यहाँ पर। वी चैट के भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, ऑल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, व्हाट्सएप वगैरह। लेकिन चाइना में व्हाट्सएप बैंड है, तो ज़्यादातर वहाँ पर वी चैट ही यूज़ होती है। बाकी गेम भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है, आपको एक गेम मिलेगा कलर ब्लाइंड वाला, तो ये वाला आप इसके अंदर गेम प्ले कर सकते हैं जब आप बोर हो रहे हो, तो ये आपको एक गेम भी मिलेगा। फेसबुक के नोटिफिकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कैलकुलेटर का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। और सेटिंग्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता चलूँ। वैकअप जेस्चर है, बिसाइड लैम्प क्लॉक है, स्क्रीन ऑफ टाइम है, ये पूछ रहा है कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कितनी देर तक ऑन रखना है, 600 सेकेंड जो ऑलमोस्ट कितने बनते हैं आपके 10 मिनट्स, तो आपको यहाँ पर 600 सेकंड पे एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा है 30 सेकंड्स का ऑन रखने का। प्लान वीज आपको काफ़ी सारी देखने को इस वॉच में मिलने वाली हैं। टाइम सेटिंग्स के हवाले से 24 आवर्स का फॉर्मेट और 12 आवर्स का दोनों फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको इस वॉच में। ब्राइटनेस एडजस्ट आप जो करना चाहो यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो। कॉल सेटिंग्स के हवाले से भी ऑप्शन मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के हवाले से भी ऑप्शन हैं। साइड की सेटिंग मतलब साइड की जब मैं बटन दबाऊं तो क्या चीज़ ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, मैंने कर दिया आउटडोर स्पोर्ट। अब मैं ऑप्शन आता हूँ यहाँ पर मेन स्क्रीन पे, जब मैं यहाँ पर ऑन करूँगा तो देखें आउटडोर के सारे फंक्शंस वर्किंग में आ गए। अब ये मैं यहाँ पर अपने हिसाब से साइड की कमांड सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे क्या देना है। डो नॉट डिस्टर्ब मोड का भी ऑप्शन मिलने वाला है, हेल्थ रिमाइंडर के काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एहसास दिलाती रहेगी ये हर थोड़ी देर में कि भाई आपने अभी पानी पीना है, ये सारी चीज़ें आप इधर रिमाइंडर काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पावर सेविंग मोड भी आपको चेक करने को मिलेगा, ओपन कर लेंगे इसको ऑन कर लेंगे तो वॉच की जो है बैटरी टाइमिंग वैसे एक दिन की तो होती है, कम से कम एक दिन चलती है, लेकिन और भी मतलब बढ़ सकती है। और इसके हवाले से मजीद पासवर्ड आप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए आपको एक QR कोड स्कैन करेंगे और एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। अबाउट में जनाब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था HW8 Ultra Max पढ़ने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, इसमें आपको वही पढ़ने को मिल रहा है जैसे कि बॉक्स में लिखा हुआ है HW8 Ultra Max, और यहाँ पर भी अबाउट में भी वही ऑप्शन आपको वही नाम पढ़ने को मिलेगा। बैक साइड पे ही मेंशन होगा HW8 Ultra Max और यहाँ पर भी। बाकी शटडाउन के ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट का मिलेगा, इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट का। और अगर हम इसको बटन होल्ड करके रखे रहें तो ये देखो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि स्लाइड टू शटडाउन, स्लाइड टू रीस्टार्ट, इमरजेंसी कॉल पावर। मैं यहाँ से इसको अगर स्लाइड करूँगा तो ये क्या होगी, ऑफ हो जाएगी कुछ इस तरीके से, गुड बाय करा टाटा। तो अब मैं आपको चार्जिंग भी इसकी चेक करवाता हूँ, ये रहा इसका वायरलेस चार्जर। जैसे ही हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये देखो आपको चार्जिंग इस तरीके से शो होगी, और ये इसका आपको हॉरिजेंटल वो वर्टिकल सेंसर मिलेगा देखने को, और हॉरिजेंटल की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वर्किंग करते हुए। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा कि जो भी आपने इस वॉच के साथ चार्जर इस्तेमाल करना है वो कितने 2 एम्पीयर से कम का चार्जर आप यूज़ करेंगे, और क्या होगा वो हैवी नहीं हो, 10 वॉट का ना हो, 15 वॉट का ना हो, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ना करती हो, क्योंकि इस वॉचेस के अंदर 280, 300, 250 कुछ ऐसी MAH बैटरी लगी हुई होती हैं, जो कि हालांकि कंपनी ने खुद ऑफिशियल तो नहीं अनाउंस करा होता, ये एक हमारा मानना होता है। तो आप अगर इसके ऊपर कोई ऐसे मोबाइल चार्जर से चार्ज करेंगे जिसकी 5000 mAh को चार्ज करने के लिए चार्जर इस्तेमाल होता है, तो लाजमी सी बात है वो या तो आपकी चार्जर ये वाली चार्जिंग केबल को लीड को उड़ा देगा, नहीं तो फिर क्या होगा आपकी वॉच को डैमेज कर देगा। तो चलो गाइस अभी इसके अंदर मैं स्ट्रैप भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन से स्ट्रैप इजीली लग जाते हैं। हाँ तो ये देखिए आप, मैंने इसके अंदर स्ट्रैप इंस्टॉल करा है, वो भी ट्रायल लूप स्ट्रैप की क्वालिटी चेक करें। अच्छा ये वॉच के साथ नहीं आता, आपने ये नहीं पूछना कि यार ये क्या फ्री है इसके साथ, नहीं जनाब ये आप अलग से बाय कर सकते हैं। और जो भी इस वॉच का ऑर्डर करना चाहता है मैं नीचे कमेंट्स में अपना नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक छोड़ दूंगा, तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये आपने मुझे बताना है कि आपको वॉच कमेंट्स में कैसी लगी, और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा, इसके बिना मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।